लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमेशा ही विदेशी दौरे पे नजर आते हैं और इस बार फिर से वो 2 दिसंबर को सिंगापुर में नजर आएंगे और बिहारी प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे। अगर बात करें हम, आपको याद होगा कि इसके पहले सिडनी, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर भी चिराग पासवान नजर आए थे। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जब भी कुछ गलत होता है तो चिराग पासवान वहां पहुंच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आएगी, तो देखना लाजमी होगा। आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ऑस्ट्रेलिया के बाद अब आगामी 2 दिसंबर को सिंगापुर के दौरे पर रवाना होंगे। प्रवासी भारतीय सिंगापुर निवासी रंजीत कुमार जीर के आमंत्रण पर बतौर मुख्य अतिथि श्री चिराग पासवान सिंगापुर जाएंगे। वहां वीटो के सदस्य से मुलाकात करेंगे और सिंगापुर में वीटो द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में वीटो के ग्लोबल प्रेसिडेंट प्रवीण कुमार समेत 4-5 देशों के प्रवासी भारतीय उद्योगपति शिरकत अपना करेंगे। इस यात्रा में चिराग के साथ वीटो के महासचिव अमरेश मिश्रा साथ रहेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में वीटो के सदस्य के में मुख्य रूप से आयुष कुमार, रितेश कुमार, विकास कुमार, स्टार्टअप इंक्यूबेटर के संयोजक राहुल जी समेत कई अन्य उद्योगपति शामिल होंगे। तो देखिए, आप जब चिराग पासवान फिर से विदेश दौरे पे जा रहे हैं, देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती है। अगर बात करें हम चिराग पासवान की, इन दिनों चिराग पासवान के जो सितारे हैं वो बुलंदियों पर है। अगर बात करें पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की, दोनों लाइफ उनकी काफ़ी अच्छी ज़्यादा चल रही है। राजनीतिक करियर अच्छा चल रहा है और लगातार जो जनता है वो चिराग पासवान को पसंद कर रही है। जिस तरीके से वो बिहार पे जगह जगह दौरा करते हैं, अपने कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उस दौरान जनता उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। और 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ेंगे और एनडीए का हिस्सा तो बन ही चुके हैं चिराग पासवान, तो तस्वीरें भी काफी ज्यादा खूबसूरत आएगी क्योंकि लोगों का प्यार चिराग पासवान को बहुत ज्यादा मिल रहा है। अगर हाजीपुर की सीट की बात करें तो हाजीपुर की सीट को लेके भी गर्मा गर्मी अभी भी बरकरार है। एक तरफ पशुपति पारस है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है। अब जनता किसको आगे लेके जाएगी ये तो जनता पर है, लेकिन जिस तरीके से वो विदेशी दौरा कर रहे हैं और लगातार विदेशी दौरा में वो बिहारी प्रवासियों से मिल रहे हैं, अब देखना होगा कि वहाँ के लोग चिराग पासवान को कितना पसंद करते हैं। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVTV देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।